हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले डिफेंसिव ऑफ डिजीज, मतलब किसी जो अभाव से, किसी भोज्य पदार्थ के अभाव से जो रोग हो जाते हैं उसे हम कहते हैं डिफेंसिव डिजीज। तो इसे हम सिक्स क्लास के लिए चैप्टर टू है और साइंस का कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर का नाम है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफिशियंसी क्या होती है? तो पहली तो बात है कि किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है, जो उनकी जितनी मात्रा हो उतनी मात्रा आपको नहीं मिल पाती है, उसे हम डिफिशियंसी कहते हैं। आभाजनक के कहा जाता है हिंदी में, से डिफिशियंसी कहते हैं। तो ये समझ लिए कि यानी कि आपको भोजन में जो जितनी खाने की पोषक तत्वों की आवश्यकता है आपकी बॉडी को, उतना आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो उस अवस्था में हो जाएंगे डिफिशियंसी, यानी कि आपकी बॉडी को कोई ना कोई पोषक तत्वों की कमी हो रही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हम आगे की ओर देख लेते हैं। तो कहता है डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, अब मतलब किस आप डिजीज से हो जाएंगे, जब कोई चीज़ हमारे शरीर में, जब कोई हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, किसी एक छोटी सी विटामिन्स या मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, उसके कारण हमारा बॉडी सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, डिजीज बन जाते हैं। ये तो हम ये भी जानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन हम यदि सही से खाना पोषक तत्व अपने शरीर में नहीं लेंगे तो उसके कारण भी हमारे पास रोगों का खजाना हो सकता है। तो डिफिशियंसी ऑफ डिजीज अगर देख लेते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट को यदि आप नहीं सही मात्रा में ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको सुस्ती बनी रहेगी शरीर में, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हमने पढ़ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ यदि आप हम प्रोटीन की बात कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन हम तो जानते हैं हमारा क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। यदि हम इसे सही मात्रा में नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें इससे हमारा पहले तो बच्चे जो है उनका सही से ग्रोथ नहीं हो जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत शरीर, पता है हमारा स्किन जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ डेड होते हैं, और हर एक सेल थोड़े समय में डेड हो जाते हैं। तो इन सभी को मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। हमारी थोड़ी सी कट जाती है, जल जाती है, तो उन वहाँ पे जो क्षति होती है, जो वहाँ का स्किन गायब होता है, उसे भी पूरा करता है प्रोटीन। तो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई फिजिकल वर्क करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो इन सभी के लिए हमें क्या ऊपर करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं। हम फैट्स की बात कर लेते हैं। तो फैट क्या हमारे लिए भी ज़रूरी है, थोड़ी सी प्रोटीन, अभी तो मान लो कि सभी जगह बोला जाता है कि ये नहीं खाना है, फैट नहीं खाना, लेकिन ये आपको एक चम्मच के बराबर हर मील के साथ थोड़े से घी लेना ही चाहिए, जो अच्छे गुड फैट होते हैं। तो हमें गुड फैट को चुनना चाहिए और एक मात्रा में लेना ही चाहिए। यदि आप नहीं करते तो आपको ड्राइनेस होंगी, सही से डाइजेशन नहीं होता, तो इन सभी कारणों में इसे लेना पड़ता है। तो यानी कि इसे हमें सारी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसे एक निश्चित मात्रा में लेनी चाहिए। अब आ जाती हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, इनमें बहुत सारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स भी हैं, जिसकी कमी से क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विटामिन्स को देख लेते, विटामिन्स हो गए, तो विटामिन्स एक ही कारण क्या हो, यदि आप नहीं खाते हैं विटामिन्स जो कि आपको पालक में मिल जाएंगे, कैरेट में मिल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका विजन पावर कम होते जाएगा, आपको देखने की क्षमता कम होगी, जिसे रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस वो हो जाएगी, ये इसीलिए इसे भी हमें खाना चाहिए। फिर कहता है कि इसके बाद जो हमारे पास है बी विटामिन जो होंगे वो भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ब्लड वगैरह बनने, थक्का जन, ये सारे के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद विटामिन सी आ जाते हैं। विटामिन सी सभी आपके खट्टे फलों से मिल जाते हैं गाइज, और वो आपको किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वो आपको सर्दी जुकाम से भगाता है। अभी कोरोना है तो सभी खाते थे साइट्रस फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें विटामिन डी आपको दूध और सनलाइट से मिल जाता है, जो बोन के लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह ई हो जाते हैं, जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, और भी के हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ये
कुछ रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। और अब बात कर लेते हैं मिनरल की, तो हो जाते हैं कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गए, फास्फोरस हो गए, ये सभी कुछ भी होते हैं। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है गाइस। आगे की ओर देख लेते हैं विटामिन मिनरल्स एंड इट्स सिंपल। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि इसे विटामिन ए जो होते हैं क्या हो जाते हैं, यदि अभी हमने बात कर ही लिया इसके बारे में, विटामिन ए जो होते हैं इससे क्या हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। यदि इसकी कमी शरीर में हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आपको शाम होते होते कुछ दिखेगा नहीं, तो ये इसके सिम्टम हो गए। बी में आपके ब्लड से हो जाते हैं, तो आपको जिस रोगी को होगा ये थकान वगैरह महसूस होगा। सी की बात करेंगे, इसके सिम्टम ये हो सकते हैं कि आपके मसूड़े से उसके ब्लड आने लगते हैं, तो ये हो सकते हैं। डी से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है रोग, और सी वाटे को कहा जाता है स्कर्वी रोग, और बी को कहा जाता है बेरी बेरी, इसको नाइट फ्लेवर। और ई से भी आपके स्किन में वो ताजगी नहीं रहेगा, वो सारी बातें हो जाती हैं इस तरह से। मतलब कैल्शियम नहीं खाएंगे तो हमारे बोन वगैरह सही नहीं होंगे, तो इन सभी कमी के कारण भी हमारे शरीर में कुछ कमियां हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर सही से फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, डिजीज का रूप ले लेते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त हो रहा है, कंप्लीट हो गया हमारा वीडियो, आपने देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।